हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आप लोगों के पास नया वीडियो लेके आई हूँ। ये आप वाटरमेलन किस तरह से लगा सकते हो, यानी कि तरबूज को किस तरह से आप लगा सकते हो घर पे या आपके छत पे, जहाँ पे भी लगा सकते हो। तो पहले आप किस तरह से इसको कर सकते हो मैं बता रही हूँ। देखिए उसका बीज इस तरह से होता है। इसको आप खरीद के लेके आ सकते हो या आप जहाँ जो खाओगे तरबूज को या वाटरमेलन को जब खाओगे उसको आप बीज को निकाल के रख सकते हो। तो देखिए इस बीज को आप ना एक दिन के लिए भिगा के रखना, उसके बाद इसको पानी से निकाल लेना। और पानी से निकालने के बाद इसको एक डब्बे पे रख सकते हो या आप कपड़े पे बांध के भी रख सकते हो। ये नहीं सूखना चाहिए ये बीज। तो उसके बाद देखना 10-15 दिन हो जाएगा जब इसको आप भिगे चुके हो, तो इसलिए ये बहुत जल्दी निकल आया। ये 5-10 दिन भी अंदर अंदर ये ऐसा रूट निकल आएगा। उसके बाद आप इसको मिट्टी पे लगाना। एक बात आप लोगों को हर वक्त बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये पॉलीथीन में करती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी पे मैं लगाती हूँ। और आपके पास मिट्टी के लिए सुविधा नहीं है तो आप छत पे लगाना चाहते हो तो इसको आप गमले पे या कहाँ पे भी लगा सकते हो। गमले नहीं है तो पॉलीथीन में फास्ट लगा के उसको ट्रांसफ़र बाद में कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने ये जैविक वाला मिट्टी लिया है। देखिए इसको इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी को इस तरह करके यहाँ पे रख लेना। ये रूट्स को ना नीचे देना और इस बीज को ऊपर देना इस तरह से, देखिए। उसके बाद इस तरह से मिट्टी उसको ढांक लेना। इस तरह से मिट्टी ढांक लेना और आप यहाँ पे हल्के से पानी देना। मैं यहाँ पे पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले से मैंने मिट्टी पे पानी दिया था, तो इसलिए अभी पानी नहीं दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे हल्का सा पानी देना, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जब सूख जाएगा थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का पानी देना यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से आप लगा सकते हो। देखिए इसको लगाने के बाद देखिए ये निकल आया है। देखिए ये निकल आया है थोड़ा थोड़ा। ये 2-3 दिन बाद निकल आएगा। देखिए निकल आया। उसके बाद देखिए 5 दिन में किस तरह से हो गया ये। उसके बाद देखिए ये 10-15 दिन में देखिए कितना बड़ा हो गया। तो अभी इसको ना आप गमले पे या जहाँ पे भी लगाओगे, नीचे मिट्टी में लगाओगे, तो अभी इसको लगाने का वक्त आ गया है। तो आप इसको लेके पॉलीथीन को निकाल के इसको लगा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा गीला वाला मिट्टी करना, उसके बाद आप निकलना। और जब मिट्टी सूख जाएगा और तभी निकालोगे यहाँ से, तो वो सब फट जाएगा और मिट्टी अलग हो जाएगा। इसलिए इसको गीला करना पानी दे के, उसके बाद इसको पॉलीथीन से निकाल के उसको जहाँ पे लगाना चाहोगे लगाना। और आप गमले पे लगाओगे तो थोड़ा मिट्टी ज़्यादा देना। देखिए इस तरह से हमारा वाटरमेलन का हो गया। देखिए इतना बड़ा होगा तभी आप मिट्टी में देना, जहाँ पे भी लगाना चाहोगे वहाँ पे रखना इसको लगाना। देखिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और उसके बाद लाइक कर चुके हो तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो करूँगी आपके पास डायरेक्टली पहुँच सके, इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।